प्रोफेसर ओम प्रकाश कोयली जी आकस्मिक निधन से शिक्षा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष व NDTF के संस्थापक अध्यक्ष व भूतपूर्व राज्यपाल गुजरात प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी के आकस्मिक निधन से विश्वविद्यालय में पूरे शिक्षक समुदाय के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। फोरम के चेयरमैन के साथ बहुत से शिक्षकों ने निगम बोध घाट जाकर उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में डॉक्टर हंसराज सुमन, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाड़ी, डॉक्टर विकास गुप्ता, डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी, डॉक्टर सुनील शर्मा, प्रोफेसर जसविंदर सिंह, डॉक्टर NK कक्कड़ के अलावा विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल भी शामिल थे। सभी ने अपने शिक्षक नेता को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमने एक राष्ट्रवादी विचारक व शिक्षक खो दिया है जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं। उन्होंने कई दशक तक देशबंधु कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। फोरम के चेयरमैन डॉक्टर हंसराज सुमन ने प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रवादी विचारधारा और मानवीय मूल्यों के सशक्त हस्ताक्षर थे। इन्होंने विश्वविद्यालय में खास विचारधारा को शिक्षकों के बीच पैदा किया जो आज अपनी पहचान बनकर उभरी है। ये वर्ष 1978-79 में NDTF की स्थापना के संस्थापकों में रहे। प्रोफेसर कोहली जी 7वें दशक की शुरुआत में NDTF के अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर कोहली जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद में निर्वाचित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी किया। डॉक्टर सुमन ने बताया कि आपातकाल के दौरान इन्हें 19 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा और अमानवीय यातना झेलनी पड़ी। यातनापूर्ण जेल अवधि के बाद आप और मजबूती के साथ खड़े हुए। 1977 में प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी 2 साल के रूडा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। डॉक्टर सुमन ने आगे बताया कि ओम प्रकाश जी कोहली की क्षमता, अनुभव और विद्वता को देखते हुए उन्हें दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सदस्य, भाजपा की राष्ट्रीय और संसदीय कार्यालयों के प्रभारी और गुजरात के राज्यपाल जैसे पद को सुशोभित किया। इसके अलावा कई उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, लेकिन इन सभी उच्च पदों पर आसीन होने के दौरान आपने अपनी विनम्रता और शिष्टता बनाए रखी तथा शिक्षक हितों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ये आजीवन NDTF परिवार के एक संरक्षक की तरह रहे। वे शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय के प्रखर वक्ता होने के बावजूद एक सहृदय परामर्शदाता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार में हमेशा याद किए जाएंगे। NDTF परिवार में इनकी अंत तक गहरी दिलचस्पी बनी रही। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक समुदाय को अपनी कमी हमेशा खलेगी। फोरम ऐसे महान व्यक्ति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खबर सबकी सीधी आप तक।